हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EES सोलर। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमारा 660 वाट का सोलर सिस्टम है उससे, अभी दिसंबर का महीना है फ्रेंड, सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो धूप बहुत कम निकलती है और टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। तो इस मौसम में फ्रेंड, जो हमारा 660 वाट का सोलर सिस्टम है उसकी जो भी परफॉर्मेंस है कि कितना एम्पियर देगा, कितना वोल्टेज देगा और कितनी यूनिट पर डे बिजली बनाता है, कितना लोड चलेगा, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जो आप ये वीडियो देखोगे तो प्लीज़ आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। मैंने देखा है अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं बट फ्रेंड उनको अच्छा भी लगता है, वो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड, इतना आप लोगों को करना है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को। तो आइए चलते हैं हम सोलर पैनल की तरफ। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि प्रत्येक पैनल, देखो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जन सोलर कंपनी का है और प्रत्येक पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन है। इसको आप देख के समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल नीले कलर के हैं और प्रत्येक पैनल हमारा 165 वाट का है। तो इस प्रकार फ्रेंड, जो हमारा टोटल सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 पैनल है तो हमारा पूरा सिस्टम हो जाता है 660 वाट का। और फ्रेंड, टाइम हुआ है दिन के 2 बजे, तो आप देख सकते हो, देखिए सूरज भी निकल रहा है हल्का हल्का, तो और दिसंबर का महीना है आज और सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई है। तो टाइम हुआ है दो बजे हैं फ्रेंड। तो इसके हम एम्पियर वोल्टेज जो भी है टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 4 सोलर पैनल है, टोटल 660 वाट का सोलर सिस्टम है। और फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये वायर है, देखिए मैं आपको वायर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये 6 mm का DC वायर है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का है, जो हम इस सोलर सिस्टम के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम SMU की स्क्रीन पर चलकर। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारा सोलर सिस्टम है 660 वाट का। अभी दिसंबर का महीना है, सर्दियां स्टार्ट हो गई है, बहुत कम धूप निकलती है। तो इस मौसम में हम जो हमारा सोलर सिस्टम है इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। और मैं आपको लोड बता देता हूँ, अभी एक TV चल रही है और 2 हमारे छत पर फैन चल रहे हैं जो कि 75 वाट के हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड, ये जो सोलर का वायर है ये ऊपर से आ रहा है और ये हमारे SMU के पीछे लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखो सोलर कनेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है और ये हमारा एक नॉर्मल इन्वर्टर है, लुमिनस का इलेक्ट्रा 1065। इसको हमने इस SMU की सहायता से एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है और हमने यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है, इसकी सहायता से हम ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं कभी भी। तो यहाँ से हम ग्रिड को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए जो ऑटो मोड में, जो हमारा SMU है अभी ऑटो मोड में है, टाइम हुआ है दिन के 2 बजे, 2:03 हुई है अभी। देखो बैटरी ऑब्जर्वेशन में है, मतलब 80% से अबाउ चार्ज है और 262 मिनट हम सेव कर चुके हैं, लगभग 2100 रुपये हम बचा चुके हैं सोलर सिस्टम लगाने के बाद। जो मैक्सिमम PV करंट सपोर्ट करता है ये 40 एम्पियर का, मतलब PMW टेक्नोलॉजी पर बेस सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये। सोलर से आ रहे हैं 13.6 वोल्ट और 17.8 एम्पियर। ऑटो मोड में हमारा SMU मेन प्रेजेंट है और बाईपास ऑफ है। तो देखो, हम देखो मेन को एब्सेंट कर देते हैं यहाँ से, ये स्विच हमने डिस्कनेक्ट किया, देखो मेन एब्सेंट हो जाएगी। देखिए मैक्सिमम PV करंट 40 एम्पियर है। देखिए बैटरी 13.65 और 17.6 एम्पियर आ रहे हैं अभी। और देखिए सोलर से आ रहे हैं 13.9 वोल्ट, 17.6 एम्पियर। ऑटो मोड है, देखिए मेन एब्सेंट कर दिया हमने उस स्विच के द्वारा और बाईपास ऑफ हो गया है। जो हमारी बैटरी वो ऑब्जर्वेशन में, मतलब 80% से अबाउ चार्ज है, 262.5 यूनिट हम सेव कर चुके हैं। मैक्सिमम PV करंट 40 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है, 17.8 एम्पियर दे रहा है अभी। ट्यूबलर हमारी बैटरी है, 13.13 मतलब सोलर दे रहा है लगभग 14 वोल्ट और 18 एम्पियर दे रहा है समथिंग। तो फ्रेंड, दिन के 2 बजे यदि हम अच्छे से टेस्ट करेंगे इसको तो लगभग ये आपको 18 एम्पियर दे देगा, क्योंकि दिसंबर का महीना है फ्रेंड अभी, क्योंकि सर्दियों में क्या है टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए इसके एम्पियर काफ़ी कम हो गए हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा थे।
और ये हमारी परफॉर्मेंस है इसकी। और जो ये लुमिनस की बैटरी है फ्रेंड, हम 2015 से यूज़ कर रहे हैं, लगभग 6 साल हो गए हैं इस बैटरी और इस इन्वर्टर को। अभी भी बहुत अच्छा बैकअप है। अगर आपको बैटरी ख़रीदनी है तो आप लुमिनस की बैटरी ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छी बैटरी है। और इस पर हम अभी करंट में रन कर रहे हैं लगभग 300 वाट का, लगभग 200 वाट का लोड रन कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड। बट क्या, इसका थोड़ा आउटपुट कम हो गया सर्दियों में टेम्परेचर गिरने की वजह से, और धूप भी कम निकलती है। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।